कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइली आपके यहाँ विषय गणित के त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 से पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका पेपर है वो पूरा का पूरा आ चुका है। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इससे पेपर पूरा देख के जाना और साथ ही पूरे पेपर रट के जाना, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। साथ ही हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा दीजिए, ठीक है, और लाइक जरूर कर लीजिए। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आता है, सभी प्रश्न करना हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। फिर आपका तीसरा था प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, और साथ ही आपकी 30 शब्द है। फिर आपका यहाँ पर चौथा निर्देश आता 5 मार्क, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर गणित विषय पे हम संपूर्ण उत्तर सहित करने वाले, तो आपको हमने पहले बता दिया आपको पेपर देने से पहले इस वीडियो को पूरा देख के जाना, ठीक है। तो चलिए जो आपके यहाँ पर गणित विषय का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है, सही विकल्प। तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो पहला था 96 और 404 का SCF होगा, तो आपका था 120 और 12 आपका 4 और 7 आपका 10 और 12 था 3। तो आपको 96 और 404 का SCF निकालना, ठीक है। आपसे SCF निकालते तो आपसे बनता ही होगा, वो कोई ईजी है। जो इसका आपका SCF रहेगा वो आपका 4 रहेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो आपका था √2, 12 आपका √3 और 7 आपका √5 और 12 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। जो आपकी √2 ये भी आपकी अपरिमेय संख्या, √3 भी आपकी अपरिमेय संख्या और √5 भी आपकी अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर आपके यहाँ पर आता तीसरा बहुपद x^2+7x+10 के शून्य होंगे, तो जो आपका बहुपद दिया गया इसके आपको शून्य बताने, तो आपका था 2-5 और 12 -2 -5 और 7 आपका -2-5 और 12 -2 -5। तो यहाँ बहुपद x^2+7x+10 के शून्यक होंगे, तो ये इसके शून्यक रहेंगे वो आपके -2 और -5 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देखते जाइए। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है निम्नलिखित में से 2 चरों में रेखीय समीकरण है, तो आपका था 2x^2+3y=5, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है, तो बा आप यहाँ पर देख लीजिए, 7 देख लीजिए और 10 देख लीजिए। पहले तो हम यहाँ पर यह समझ लेते हैं कि रेखीय, ठीक है, रेखीय का मतलब क्या होता है। रेखीय का मतलब होता है कि समीकरण में कोई भी घात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर रेखीय समीकरण बताना, तो यानी समीकरण में कोई भी घात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी 2 की घात है, इसमें भी 2 की घात है और इसमें भी आपकी 2 की घात है, लेकिन जो आपका दा वाला है इसमें कोई भी घात नहीं है, ठीक है। 5x+6y=7, तो यही आपका रेखीय समीकरण हो जाएगा। फिर आपका आता 5वां समीकरण, x^2+x-1=0 के मूलों की प्रगति होगी, तो जो आपका समीकरण दिया गया है इसके आपको मूलों की प्रगति बताना है। तो आपका था वास्तविक और समान, और 12 था वास्तविक और भिन्न, 7 था कोई वास्तविक मूल नहीं और 12 इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया समीकरण x^2+x-1=0 के मूलों की प्रगति होगी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न। फिर आपका यहाँ पर 6वां था बिंदु -4 और -7 इसे चतुर्थांश में स्थित है, तो आपका था प्रथम, 12 था द्वितीय और 7 आपका तृतीय, 12 था चतुर्थ। तो यहाँ पर बिंदु -4 और -7 आपका हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में स्थित, ठीक है। क्योंकि जो आपको -- का चिन्ह रहता है वो तृतीय चतुर्थांश का रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका तृतीय हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न 2 था रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। आपके 6 नंबर के आते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 3√2 एक जोड़ संख्या है, तो 3√2 एक आपकी अपरिमेय संख्या है। फिर आपका आता द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या ढूंढो होती है, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका आता समीकरण 2x+3y=5 में यदि x=1 तो y=2 होगा, तो इसमें आपको y का मान निकालना, तो आपका x=1 दिया गया, तो आपको x का मान यहाँ पर इस समीकरण में रख देना, ठीक है। तो इस समीकरण को जैसे आपके यहाँ पर x का मान इस समीकरण में रखेंगे और इसको हल करेंगे, तो आपको y का मान भी 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। y का मान भी आपका 1 रहने वाला है। फिर आपका आता चौथा द्विघात समीकरण का अभिवक्तर ऋणात्मक हो तो मूल लोटोट हो गए, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का अभिवक्तर ऋणात्मक हो तो मूल आपके वास्तविक और, ठीक है, भिन्न होंगे, तो इसका आंसर आपका रहने वाला, ठीक है, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक और आपका भिन्न हो जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाएँ, तो आप यहाँ पर देख लीजिए वास्तविक और भिन्न इसका आंसर रहेगा। फिर आपका था 5वां, सभी डोडो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पर सभी समबाहु, ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु आपका रहेगा 5वें का आंसर। फिर 6वां था समांतर श्रेणी की कोई पदों, ठीक है, समांतर श्रेणी की कोई 2 लगातार पदों का अंतर ढूंढो कहलाता है, तो यहाँ पर समांतर श्रेणी की कोई 2 लगातार पदों का अंतर कहलाता है सर्वांतर।
ठीक है, सर्वांतर आपका इसका आंसर रहने वाला है, तो आपका यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके रिक्त प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न आपका 3 अंतर 70 70 का चयन करके लिखिए। तो पहला था प्रतीक आपूर्वी संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो पहला आपका रहने वाला बिल्कुल यहाँ पर 70 रहेगा। फिर आपका दूसरा था द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं, हाँ तो ये भी बिल्कुल आपका यहाँ पर 70 रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 2 चरों में एक रेखीय समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो यह भी बिल्कुल आपका 70 रहने वाला है। फिर आपका आता जब डी बड़ा है 0 तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, तो यह भी आपका 70 हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है 5वां वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक वाई 0 के रूप में होते हैं, तो स्टूडेंट यह आपका यहाँ पर 70 रहने वाला है। आपका 6वां था यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यह आपका यहाँ पर 70 रहेगा। तो इस तरह से आपके जो 70 असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपका जो यहाँ पर 5वां 5वां 70 रहेगा, बाकी आपके सभी 70 रहने वाले हैं, तो आपने अच्छे से देख ली होंगी। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आती सही जोड़ी बनाइए, स्तंभ और अवयव में दिए सही जोड़ी, तो आपके आती 9 और 27 का SCF, तो 9 और 27 का जो आपका SCF रहेगा वो आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आती है त्रिघात बहुपद की घात, तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद की घात होती है आपकी 3, तो इसको आपको 3 से मैच करना है। फिर आपके आती है x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, मैं यदि x बराबर 0 तो y बराबर रहेगा, तो इसमें आपको y का मान निकालना, तो x बराबर आपका 0 दिया गया, तो x का मान आपको इस समीकरण में रख देना है, तो जो आपको y का मान रहेगा वो आपका माइनस 3/2 रहेगा, तो ये आपकी तीसरी हो जाएगी। फिर जो आपकी यहाँ पर चौथी आती है द्विघात समीकरण x का 2 + x + 1 बराबर 0 का विभक्त है, तो इसका जो चौथी है वो आपको किससे मैच करना है, तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो चौथी रहेगी वो आपकी समान रहेगी, ठीक है। फिर आपके आती है समान श्रेणी के n पद, तो इसका आपको मैच कर देना an बराबर a प्लस n माइनस, ठीक है, n माइनस 1 डी से, ये आपकी रहेगी 5वीं। और जो आपकी 6वीं यदि सभी संभावित त्रिभुज होते हैं, तो यहाँ पर सभी संभावित त्रिभुज होते हैं आपकी समरूप, तो ये आपकी 6वीं हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी मैच हो जाती हैं, ठीक है, आपने अच्छे से देख ली होंगी। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न 5 आता है आपका, एक सदभाग मतदी 6 नंबर के आते हैं, तो प्रथा संख्या 8, 9 और 25 का SCF कितना होगा, तो जो इसका आपका SCF निकल के आएगा वो 1 रहेगा, ठीक है, 1 रहेगा इसका आंसर। फिर आपका था रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, तो यहाँ पर रेखीय बहुपद की घात भी आपकी 1 होती है। फिर आपका था तीसरा रेखीय समीकरण y बराबर आपका mx, ठीक है, m इंटू एक्स प्लस 3 में यदि x बराबर माइनस 2 वाई बराबर 5 हो तो m का क्या मान होगा, ठीक है, तो आपका x का मान माइनस 2 है, y का मान 5 है, तो आपको x और y के मान आपको इस समीकरण में रख देना है, तो आपका m बराबर, ठीक है, जो आंसर रहेगा वो आपका m बराबर आ जाएगा, ठीक है, m बराबर आपका इसका आंसर रहेगा माइनस 1, ठीक है, m बराबर माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, समीकरण ax2 + bx + c = 0 में मान बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर 4ac क्या कहलाता है, तो यहाँ बी स्क्वायर 4ac कहलाता है आपका विभक्तर, ठीक है, विभक्तर आपका इसका आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, विभक्तर आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका 5वां था यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या सीमित ना हो तो उस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं, तो यहाँ पर यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या सीमित ना हो तो उस श्रेणी को कहते हैं अपरिमित श्रेणी, ठीक है, अपरिमित श्रेणी, ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0 0, तो इस तरह से आपके 5 प्रश्न 5 ही कंप्लीट हो जाता है। अब आपका 6वां प्रश्न आता है संख्या 92 और 510 का SCF ज्ञात कीजिए, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको इसको हल करना है, ठीक है, 510 और 92, ठीक है, 510 को पहले आपको 2 से काटना, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 17 से, फिर 92 को आपको 2 से काटना, फिर 2 से, फिर 23 से, ठीक है, तो इसका आपका SCF निकल के आ जाएगा 2, ठीक है, आपको SCF निकालना है, LCF नहीं निकालना, सिर्फ आपको SCF निकालना, तो आपका SCF 2 रहेगा, तो इस तरह से आपको इसको हल करना है, ठीक है। और साथ ही आप इसका अथवा देख लीजिए SCF 3 6 और 6 7 का आपका 9 दिया गया, तो इसका आपको LCM निकालना है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है, हम दोनों में से आपको एक का आंसर कराने वाले हैं, क्योंकि अगर दोनों का आंसर कराएंगे तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और साथ ही आपका टाइम भी कम है, ठीक है, कम है आपके पास, तो इसलिए हम एक का आंसर कराने वाले हैं। 7वां आता सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमित संख्या है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आइए हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √2 एक परिमित संख्या है, तो 2 पूर्णांक a और b इस प्रकार विद्यमान होंगे कि √2 बराबर a बटे में b, जहां a और b सह आबादी संख्याएं हैं, ठीक है, और साथ ही आप यहां पर देख लीजिए इस तरह से पूरा आपका आंसर रहेगा, हम आपको यहां पर दिखा देते हैं, तो स्टूडेंट इस तरह से आपका आंसर रहने वाला, और साथ ही आपका इस साइड भी यहां पर आंसर दिया गया है। पहले आप यहां पर देख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है इसका अथवा, तो अथवा देख लीजिए, फिर आपका आता है आठवां, दो ग्यारह बगबत एक्स ग्यार दो प्लस सात एक्स प्लस दस के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के संबंध की सत्ता की जाँच कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक्स की घात दो प्लस सात एक्स प्लस दस बराबर एक्स प्लस पाँच और एक्स प्लस दो, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर रहेगा। तो चूंकि एक्स की घात दो प्लस सात एक्स प्लस दस का मान शून्य होगा जब एक्स प्लस पाँच बराबर जीरो और एक्स बराबर आपका माइनस पाँच आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स प्लस दो बराबर जीरो तो एक्स बराबर बराबर आपका माइनस दो आ जाएगा, ठीक है। आपका दो उस साइड जाएगा, पाँच भी आपका उस साइड जाएगा, तो माइनस माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक्स की घात दो प्लस है आपका सात एक्स है और दस के शून्य का आपके माइनस पाँच और माइनस दो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी जांच भी यहाँ पर हो जाती है, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सतह प्रमाणित होती है, ठीक है। इस तरह से आपको इसको हल करना है। और आपको जो हम आंसर दिखा रहे हैं इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना, फिर इसका अथवा आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः एक और एक है। फिर आपका दसवां आता है, नौवां आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः एक बटे चार और माइनस एक है। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर। तो पूरा आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो जल्दी से आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, ठीक है। पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह सीख के जाना पेपर देने से पहले। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका अथवा था, तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका आता दसवां, देखिए समीकरण वाई बराबर एम एक्स प्लस तीन में यदि एक्स बराबर माइनस दो वाई बराबर पाँच होता है, एम का मान निकालना आपको। और जो इसका अथवा आता है, दो किलो सेब और एक किलो अंगूर का मूल 160 रुपये और चार किलो सेब और दो किलो अंगूर का मूल 320 रुपये। तो बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण करना है, तो जो इसका अथवा वाला दिया गया जिसमें आपको बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण करना है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि एक किलोग्राम सेब एवं एक किलोग्राम अंगूर का मूल एक्स एवं वाई रुपये है। तो प्रश्न अनुसार दो एक्स प्लस वाई बराबर 160, चार एक्स प्लस दो वाई बराबर आपका 300, दो एक्स प्लस वाई बराबर आपका 150। दी गई स्थितियों का बीजगणितीय निरूपण, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, दो एक्स प्लस वाई बराबर 160 और दो एक्स प्लस वाई बराबर आपका 150, ठीक है। आपके यहाँ पर बीजगणितीय समीकरण का निर्माण हो जाता है, तो यही आपका आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा, अथवा तो हमने अथवा का आंसर करा दिया, ठीक है। फिर आपका ग्यारह था विलोपन विधि से हल कीजिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका एक्स माइनस तीन वाई माइनस सात बराबर आपका जीरो, और फिर आपका था तीन एक्स माइनस तीन और बराबर पंद्रह बराबर जीरो। और जो इसका आपका अथवा था प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, एक्स प्लस तीन वाई बराबर छः और दो एक्स माइनस तीन वाई बराबर बारह। तो जो आपका यहाँ प्रतिस्थापन विधि से आपको इसमें हल करना है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको हल करना है, ठीक है। एक्स प्लस तीन वाई बराबर छः, तो एक्स बराबर छः माइनस तीन वाई, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाएगा समीकरण एक। फिर आपको यहाँ पर इस साइड आना, दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर बारह, तो आपको इसको हल करना है, तो आपका y का मान जीरो आ जाएगा। फिर आपको जो y का मान जीरो है वो आपको इस समीकरण में एक में रख देना है, तो x का मान आपका छः निकल के आ जाएगा और y का मान जीरो। इस तरह से आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता बारहवां, दो एक्स समीकरण दो एक्स या दो माने सात एक्स प्लस छः बराबर जीरो के मूल क्या होंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको इसको हल करना है, ठीक है। दो एक्स की घात दो माने सात एक्स प्लस छः बराबर जीरो, तो दो एक्स की घात दो माने चार एक्स माने तीन एक्स प्लस छः बराबर जीरो, ठीक है। सात एक्स को आपको इस तरह से लिखना है कि, यानी इस तरह से आपको जोड़ना है और घटाना है कि आपका माने सात एक्स आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, माने चार एक्स और माने तीन एक्स, तो आपका माने सात एक्स होता है। इस तरह से तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसके जो शून्यक रहेंगे वो आपके दो आ जाएंगे और तीन बटे दो, ये आपके शून्यक रहेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका इसका अथवा दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 तथा गुणनफल 72 हो। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आपका तेरहवां था समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए बराबर आपका दो और समांतर डी बराबर भी आपका दो है, तो अगले चार पद निकालना है, ठीक है। तो आपको अगले चार पद निकालने के लिए आपको यहाँ पर सूत्र लगा देना आराम से, ए प्लस एन, ठीक है। आपको, ठीक है, अगले चार पद निकालना है, इसका सूत्र लगाना है। फिर इसका अथवा था तीन अंकों वाली कितनी संख्या सात से विभाज्य, तो जो इसका अथवा का आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो अथवा का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके दिया गया सात से विभाजित तीन अंक वाली संख्याओं की सूची, ठीक है, 105, 112, 119 और आपकी 994। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ए बराबर आपका 105 हो जाएगा, डी बराबर आपका 112, ठीक है, माइनस 105 बराबर सात आ जाएगा आपका डी बराबर, और ए एन बराबर आपका 994। तो आपको सूत्र में मान रख देना है, तो सिंपली से आपका यहाँ पर सात से विभाजित तीन अंक वाली कुल अभी संख्या 128 है, आपका आंसर आ जाता है। तो आपका तेरहवें का अथवा का आंसर करा दिया। आप चौदहवें प्रश्न देख लेते हैं, तो जो आपके यहाँ पर आता, ठीक है, बिंदु दो तीन और चार एक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आंसर दिया गया, आपको दूरी का सूत्र लगा देना है, तो आपका जो आंसर रहेगा 2√2, ये आपके यहाँ पर दूरी आ जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा आता है, तो अथवा भी आपको बीच की दूरी निकालनी है। फिर आपका आता है यदि 15 कोट ए बराबर आपका 8 हो तो साइन ए का मान क्या होगा, तो साइन ए का मान निकालना आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपको यहाँ पर इस त्रिभुज को बनाना है, माना ए बी बराबर 8 के, बी सी बराबर 15 के, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर साइन ए का मान रहेगा वो आपका 15/17 आ जाएगा, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको सॉल्व करना है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, आप चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इसका अथवा आता है, तो अथवा में भी आपको साइन का मान निकालना है। ठीक है, फिर आपका 16वां था समांतर श्रेणी 10-7-4 का दसवां पद ज्ञात कीजिए, और जो आपका इसका अथवा था 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की सूची, इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर रहेगा। अर्थात 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है, 2 अंकों वाली 30 संख्याएँ आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, 17वां, तो 17वां आपके यहाँ पर देख लीजिए, 17वां का जो आपका अथवा आता है 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आंसर दिया गया, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है 18वां क्वेश्चन, 2 संपूर्ण कोण में 18 बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होने ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर अगर मान लीजिए कि 2 अभिष्ट संपूर्ण कोण x एवं y है, तो x बड़ा है y, तो प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 180 डिग्री, ठीक है, x माइनस y बराबर आपका 18 आ जाएगा, तो आपको समीकरण आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपको इस तरह से सॉल्व करना है। फिर आपका जो यहाँ पर आता है इसका अथवा, तो अल्फा, ठीक है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है आपको इसमें। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर दिल्ली 2 घात 2 घात आपका यहाँ पर दिया गया 3x+2+4x-4, इसके आपको शून्य के निकालने और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करनी है, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आंसर दिया गया। इसके जो शून्य रहेंगे वो आपके -2 और 2/3 आ जाएंगे, और इसके आप यहाँ पर अभिष्ट संबंधों का सत्यापन होता है, आपके यहाँ पर जाँच हो जाती है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए 20वां प्रश्न आपका आता है, और 21वां आता है 22वां और 23वां, ठीक है, तो आप 20वां 21वां 22वां 23वां का जो आंसर है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।